अफरोज, अफरोज, अफरोज माइक ऑन करो बेटा, अनम्यूट करो अपना माइक। यस मैम। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि ब्लाइंडनेस कहते किसे, ठीक है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो सबसे पहले अंधता होती क्या है, लिख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति 6 मीटर या 20 फीट की दूरी से उंगलियों को गिनने में असमर्थ है, ठीक है, आप उनसे फिंगर काउंटिंग करवा रहे हो और 20 मीटर की दूरी पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, सॉरी 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो अगर उसको वो उंगलियां गिनने में, वो काउंटिंग करने में असमर्थ है, इनेबिलिटी है उसकी, तो उसको हम बोलेंगे अंधता या ब्लाइंडनेस, ठीक है। कारण क्या 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 हो सकते हैं इसके, मोतियाबिंद हो गया, ठीक है, ग्लूकोमा हो गया, कॉर्निया की अपारदर्शिता हो गई, आयु से संबंधित धब्बेदार अंधपतन, ट्रैकोमा, बाल्यावस्था में होने वाला अंधापन, जैसे कि स्कूली बच्चों में कई बार परावर्तन संबंधी दोष हो जाते हैं उसकी वजह से, फिर डायबिटीज से होने वाली जो दोष हैं, ठीक है, अंधापन उससे भी हो जाता है। तो ये काफी सारे जो कारण हैं इनकी वजह से अंधापन आता है। तो अंधापन अभी कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति 6 मीटर या 20 फीट की दूरी से उंगलियां गिनने में असमर्थ है तो उसे हम कहेंगे अंधता, ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1976 में आरंभ किया गया था। 1976 में ये शुरू हुआ था, लॉन्च किया गया था नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं। क्या क्या चीजें थी इसमें 1976 में जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया, तो क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या एक्टिविटीज की गई। सबसे पहले क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान स्थापित करना, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ आई, ठीक है, आई से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, क्या क्या रोग हैं, क्या क्या चीजें हैं आई से रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी जितने भी थे वो एरिया वाइज जो है वो बनाने थे, वो स्थापित करने थे। तो क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, नेत्र विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, आई सेंटर्स, ठीक है। तो जहाँ पे आई से रिलेटेड स्टडीज होती है, आई से रिलेटेड जो है इलाज किए जाते हैं, ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, सर्जरी होती है, ऐसे जो है हमें इंस्टीट्यूट खोलने थे क्षेत्रीय, मतलब एरिया वाइज। मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय और सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नेत्र चिकित्सा की सुविधाओं का स्तर बढ़ाना, यानी कि हमारा जो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है और टर्शरी लेवल है। प्राइमरी लेवल, बहुत बार मैं ये तीनों चीजें आपको बता चुकी हूँ। प्राइमरी लेवल में हमारा आता है सब सेंटर और पीएचसी, और सेकेंडरी लेवल पे हमारा आता है सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय, और टर्शरी लेवल पे मेडिकल कॉलेज या टीचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं हमारे, ठीक है, तो टीचिंग हॉस्पिटल्स। तो ये जो है तीनों ही लेवल पे, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे जिला चिकित्सालय है, चाहे मेडिकल कॉलेज है,
तीनों ही लेवल पे नेत्र चिकित्साओं की सुविधाओं का स्तर बढ़ाना, ये एक एक्टिविटी थी जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद है नेत्र चल इकाइयों का विकास करना। नेत्र चल इकाई यानी कि मोबाइल यूनिट्स, ठीक है, जो जैसे कई जो है कैंप्स भी लगते हैं, ठीक है, या मोबाइल यूनिट्स होती हैं कि जो है जगह जगह जाके एरिया जहां लोगों का जो है हॉस्पिटल तक आना पॉसिबल नहीं है वहां के लोगों का, ऐसे रिमोट एरियाज जो हो गए, जो दूर दराज के इलाके होते हैं, वहां पे इन मोबाइल यूनिट्स को लेके जाके एक वैन होती है, ठीक है, मोबाइल, और वहां पे जो है उनके जो है जांच की जाती है नेत्रों की, लोगों के नेत्रों की जांच की जाती है। कई बार हम स्कूल्स में भी जाते हैं, ठीक है, जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ के लोगों के पास सुविधा उपलब्ध नहीं है, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो वहां पे हम इन मोबाइल यूनिट्स का उपयोग करते हैं। तो इन मोबाइल यूनिट्स का विकास करना, डेवलप करना, ठीक है, नेत्र चिकित्सा और नेत्र जांच के लिए। उसके बाद है नेत्र विज्ञान सेवाओं के लिए आवश्यकता अनुसार नेत्र कर्मियों, जैसे कि नेत्र विशेषज्ञ यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, नेत्र नर्स ऑप्थेल्मिस्ट नर्स, ठीक है, सहायक असिस्टेंट, इन सब का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और उनकी नियुक्ति करना, उनको नियुक्त करना मतलब जॉब उनको प्रोवाइड करना। तो नेत्र विज्ञान सेवाओं के लिए जो ऑप्थेल्मोलॉजी की जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, आई केयर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार जहां जिनकी जैसी आवश्यकता है उस हिसाब से नेत्र कर्मियों का प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग और उनको नियुक्ति देना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज थी जो इस कार्यक्रम के अंडर की जानी चाहिए थी, ठीक है, और की गई 1976 में जब ये प्रारंभ हुआ था। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या थे, यानी कि इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इस कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के प्रमुख बिंदु हैं, जब ये कार्यक्रम 1976 में शुरू किया गया, उसके बाद इसकी जो वर्क प्लान है, कार्यनीति है, उसमें कुछ संशोधन किया गया। उस संशोधन के बाद जो इसके उद्देश्य आए, ऑब्जेक्टिव्स आए, वो ये थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला, परंपरागत सर्जरी के स्थान पर IOL प्रतिरोपण को अपनाना। पहले क्या होता था, पहले लंबी चौड़ी सर्जरी होती थी, आंख की पूरी आंख जो है खोली जाती थी, ठीक है, तो पहले सर्जरी की जाती थी। लेकिन अब क्या बोला गया इस संशोधित कार्यनीति के अनुसार, IOL यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, ऑक्यूलर मतलब आई आंख, इंट्रा मतलब आंख के अंदर लेंस, ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस आप लिख सकते हैं, आई मतलब इंट्रा, ओ मतलब ऑक्यूलर, OCULAR, और एल मतलब लेंस, ठीक है, तो IOL प्रतिरोपण ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, ये हमें अपनाना था बजाय कि परंपरागत सर्जरी, ठीक है, सर्जरी को कम करके या बंद करके हमें IOL प्रतिरोपण को अपनाना था। उसके बाद है जिला स्तर पर नेत्र वार्डों, नेत्र ऑपरेशन थिएटरों के निर्माण कार्यक्रम को का विस्तार करना। जो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनमें हमें नेत्र जो अलग से वार्ड जो है उनका जो है विस्तार, उनको बढ़ाना था, नेत्र वार्ड ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और नेत्र आई ऑपरेशन थिएटर्स, उनको हमने अलग से जो है उनका निर्माण कार्यक्रम इसका विस्तार करना था। उसके बाद है नेत्र सर्जनों को प्रशिक्षण तथा नेत्र उपकरणों की आपूर्ति के कार्य को बढ़ावा देना। जो सर्जरी करते थे आई की, आई सर्जन जो थे उनका ट्रेनिंग, ठीक है, और जो आई सर्जरी में जो भी उपकरण आई की जांच में, नेत्र की जांच में, आंखों की जांच में जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, और आई की सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं या ट्रीटमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, उनको जो है उनकी आपूर्ति के कार्य को हमने बढ़ावा देना था। उसके बाद है कॉर्निया संबंधी दृष्टिहीनता,
स्कूली बच्चों में परावर्तन संबंधी दोष, ग्लूकोमा के कारणों का पता लगाने संबंधी सेवाओं को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को और व्यापक बनाना। ठीक है, अगर कॉर्निया, आंख में हमारा जो है आंख का ही एक पार्ट होता है कॉर्निया, अगर कॉर्निया से संबंधी कोई दृष्टिहीनता है, स्कूली बच्चों में परावर्तन संबंधी दोष है, या ग्लूकोमा के कारण जो है, ग्लूकोमा भी एक तरह का जो है आंख का रोग होता है, तो ग्लूकोमा का अगर है किसी को तो उसके कारणों का पता लगाना कि किस वजह से हुआ है और उसको उसी से संबंधित सेवाएं देना, इस चीज को हमने मजबूत करना था, और राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को और व्यापक बनाना था और चारों तरफ इसे फैलाना था, सब जगह इसे लागू करना था इस कार्यक्रम को। ठीक है, फिर है कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को और अधिक सुनिश्चित करना। जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, स्वैच्छिक मतलब वॉलेंट्री, जो अपने खुद की इच्छा से भागीदारी पार्टिसिपेशन करते हैं किसी भी काम में। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन जो अपने खुद की इच्छा से वॉलेंट्री जो है भागीदारी करते हैं इस कार्यक्रम में, उनको सुनिश्चित करना था कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, और उनकी भागीदारी को, उनकी हेल्प लेनी थी, उनका सपोर्ट लेना था। उसके बाद है दोनों नेत्रों से दृष्टिहीन रोगियों की पहचान करके मोतियाबिंद सर्जरी में उन्हें वरीयता प्रदान करना। ठीक है, जो लोगों की नेत्रों की जब हम जांच करते थे तो जितने भी दृष्टिहीन रोगी थे, ठीक है, उनकी फिर मोतियाबिंद की सर्जरी की जानी चाहिए थी। उसके बाद है इसमें जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र होते हैं ट्राइबल एरियाज, ठीक है, जो जंगलों में और वहां पे रहते हैं ना, जो ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में सेवाओं का प्रसार बढ़ाना और ग्रामवार दृष्टिहीनों का रजिस्टर तैयार करना शामिल है। ठीक है, इन हम कौन सी रोगियों की पहचान करते थे, ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते थे रोगी, ठीक है, उनको जो है सेवा प्रदान करते थे, और ग्रामवार दृष्टिहीनों का रजिस्टर तैयार करना शामिल है, और किसका जो है, जो गांव में लोग रहते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, जो दृष्टिहीन है उनका एक रजिस्टर तैयार करना था ताकि हम उनकी मोतियाबिंद की सर्जरी करा सकें। उसके बाद है स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम। अब कई छोटे बच्चे भी तो होते हैं जिनको बचपन से ही विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि कमी से अंधता होती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 10 से 14 वर्ष की आयु में ज्यादातर देखने को मिलते हैं कि 7% जितनी भी अंधता के जो है रोगी हैं, या कह सकते हैं जिनमें, जिन व्यक्तियों में अंधता पाई जाती है, जिन टोटल उनमें से 7% जो है उनकी आयु 10 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रशिक्षित अध्यापक थे, यानी कि जो ट्रेन्ड टीचर्स थे, जिनको आंखों की जांच करने में हमने ट्रेनिंग दे रखी थी, उनके द्वारा बच्चों की जांच की जानी चाहिए। उसके पश्चात, जांच होने के पश्चात दृष्टि दोष की आशंका वाले बच्चों को, अगर उन टीचर्स को लगता है कि किसी बच्चे में दृष्टि दोष यानी कि आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी आशंका वाले बच्चों को जांच चिकित्सा सहायकों यानी कि जो है इन्वेस्टिगेटेड मेडिकल असिस्टेंट जो भी थे, उनके द्वारा उनकी जो है इलाज या फिर जांच करवानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर पहले तो अध्यापक जो है, ट्रेंड जो अध्यापक हैं
जो प्रशिक्षित अध्यापक है उनके द्वारा जांच की जाए स्कूल के बच्चों की, उनमें से अगर उन्हें लगता है कि इसको इसको हो सकता है कि कोई किसी तरह का दृष्टि दोष हो इस बच्चे को, तो उनमें से मान लीजिए 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उनकी जांच जो है मेडिकल असिस्टेंट जो होते हैं उनसे करवाएं और इलाज भी शुरू करवाएं। अब दृष्टि दोष में सुधार हेतु चश्मे निर्धारित किए गए हैं। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का दृष्टि दोष है, आई साइट वीक है, ठीक है, दूर की या पास की, तो उनके लिए जो है चश्मे दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, उनको चश्मे लगवाए जाएं। गरीब बच्चों को ये निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, चश्मे जो है गरीब बच्चों को निशुल्क दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो वॉलेंट्रीली जो है अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज होती हैं, ठीक है, उस ये कार्यक्रम में उनकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि पहला हो गया डेनेडा, DANIDA, डेनेडा, डेनिश एक कंट्री है, ठीक है, डेनिश अंतरराष्ट्रीय विश्व एजेंसी, इसने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 पायलट कार्यक्रम का चयन किया। मतलब जो ये राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले इसने जो डेनेडा था, जो डेनिश अंतरराष्ट्रीय विश्व एजेंसी थी, इसने क्या किया, 5 पायलट, 5 छोटे छोटे कार्यक्रम जो है पहले इन्होंने शुरू किए, उसके बाद ही ये राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, पहले हम कोई भी काम है, कोई भी बड़े लेवल का काम है, नेशनल लेवल का काम है, उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम पहले पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी मतलब छोटे एरिया में कम लोगों में हम उस एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा ये कार्यक्रम जैसे जो हमने बनाया है, जो हमने प्लान किया है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, तो हम उसे पहले छोटे लेवल पर जो है करते हैं। तो जो ये पायलट जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये छोटे लेवल के होते हैं। जब हम उसने डेनेडा ने 5 पायलट स्टडीज कर ली, पायलट कार्यक्रम कर लिए, उसके बाद ही ये बड़े लेवल पे पूरे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त डेनेडा चल इकाइयों यानी कि मोबाइल यूनिट्स, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि PHC, जिला अस्पतालों यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए उपकरणों की आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान कर रहा है। उसने पहले तो 5 पायलट कार्यक्रम करे, शुरू किए, उसके बाद जब ये प्रोग्राम शुरू हो गया नेशनल लेवल पे, तो उसने मोबाइल यूनिट्स की सहायता प्रदान की, मोबाइल यूनिट्स प्रदान की, ठीक है, PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितने भी उपकरणों की जरूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की, वो दिए, उनकी सहायता प्रदान की, ठीक है। तो डेनेडा जो है, डेनेडा जैसे दूसरे जो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज हैं, स्वैच्छिक संगठन है, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस कार्यक्रम में। उसके बाद हम देखेंगे कि विश्व बैंक ने क्या सहायता की। विश्व बैंक 1994-95 से मोतियाबिंद नियंत्रण परियोजना चला रहा है, ठीक है, इससे भी हमें हेल्प मिल रही है। इस प्रकार इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि भी राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को उल्लेखनीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कई सारे जो वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये हमें जो है सहायता प्रदान कर रही हैं इस कार्यक्रम के लिए। कौन कौन सी? डेनेडा, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल, ठीक है, ये सारे हमें जो है सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो ये हो गया आज का आपका नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम।